कैसे हम सब लोग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी iOS 18 कब से रिलीज़ हो चुका है, लेकिन मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसका ज़रा एक्सपीरियंस करना चाहता था कि आफ्टर लाइक कोई ग्लिच वगैरह तो हमें देखने को नहीं मिला या कोई भी ऐसी चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, फिर फीचर्स डिस्कस करेंगे, देन इसका एक्सपीरियंस। As you see, iOS 18. So let's start with the home screen. First of all, हम home screen देखेंगे कि home screen हमें क्या experience दे रही है। तो अभी आपको ये clean look नजर आ रही होगी, जो कि बिल्कुल सही आपने guess किया। यहाँ पे हमें camera और torch का option मिलता था, वो आप remove भी कर सकते हैं। Customization में जाएं, यहाँ पे देखें, आप सिर्फ ना सिर्फ remove कर सकते हैं, आप इसको customize भी कर सकते हैं different options के साथ, जिसमें आपको third party apps की भी option मिल जाती है और काफी सारे आप इसके अंदर ही accessibility के अंदर जितने भी shortcuts हैं आप उनको भी add कर सकते हैं। तो ये I think काफ़ी यूज़फुल फीचर है यार तमाम लोगों के लिए, लाइक इट्स गुड। सिर्फ कैमरा टॉर्च तो हम इस्तेमाल करने से रहे, तो ये फीचर मुझे अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि मुझे तो क्लीन लुक पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसको रिमूव किया हुआ था। लेकिन यू कैन ऐड, जैसा कि आप देखते हैं मैंने दो ऐड किए हैं, एक QR कोड स्कैनर का और दूसरा अलार्म का, तो जिससे आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं। तो अभी डन करते हैं और अभी दिखाता हूँ ऑन करके। As you can see, मैंने ऊपर स्वाइप किया तो QR कोड स्कैनर ओपन हो गया, लेकिन इसके लिए आपका फेस ID अनलॉक होना जरूरी है, अदरवाइज ये एक्सेसिबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट फीचर इसकी होम स्क्रीन है। अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर दूँ क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ी सी क्लीन लुक पसंद है, जल्दी से इसको रिमूव कर देता हूँ अभी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसके होम स्क्रीन के बारे में, बिकॉज होम स्क्रीन में कुछ मेजर यू नो आपको परमानेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं, अभी आपको उसको दिखाते हैं। तो होम स्क्रीन की बात कर ली जाए तो अभी इसको देखें, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये एज़ यूजुअल हमें एडिट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप ना अब विजिट्स भी ऐड कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे विजिट्स आ गए हैं। और ना सिर्फ विजिट्स ऐड कर सकते हैं, आप इसको टिंटेड भी कर सकते हैं किसी भी कलर में, लाइक रेड ब्लू कलर एनी अदर कलर। और सेकेंडली ये कि आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हमारी डार्क और लाइट थीम चेंज होती है तो आप इसको ऑटोमेटिक पे भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में टिंटेड भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइक यू कैन कस्टमाइज इट। और स्मॉल और लार्ज आइकन्स ये भी आप कर सकते हैं। अभी ज़रा हम कलर्स के साथ भी खेलेंगे, लाइक जैसा कि अगर आप स्क्रीन की सारी ऐप्स के कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लाइक ब्लू कलर एनी कलर। तो ये थी कुछ कस्टमाइजेशन होम स्क्रीन की। बाकी विजिट्स अब थर्ड पार्टी के ऐप्स के भी बहुत सारे आ गए हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो, यार अच्छी बात है। अगर एप्पल की प्रीवियस हिस्ट्री से कंपेयर किए जाए ये फीचर्स, तो कस्टमाइजेशन में काफ़ी सारी देखने को मिल गई है इस अपडेट में। तो बाकी ये आप एप्स को कहीं भी जगह प्लेस कर सकते हैं, होम स्क्रीन द एनीवेयर, आप कुछ भी लाइक बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं, यू कैन प्ले अराउंड। और आप विजिट्स ऐड कर सकते हैं और लाइक आप अपने हिसाब से कोई थीम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट नॉट दिस लाइक द एंड्रॉयड, जैसे कि हम एंड्रॉयड एक पूरा मुकम्मल चेंज देता है, ये वैसे नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये लाइक अच्छी बात है, इतनी कस्टमाइजेशन हमें मिली है। तो अब अगले फीचर की बात की जाए तो लेट्स स्टार्ट विद द सेटिंग्स। मेरे ख्याल में हमें सेटिंग्स में जाना चाहिए, सॉरी सेटिंग्स से जाने से पहले एक छोटा सा मिनोरिटी सा फीचर आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। मेरे ख्याल में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैं होम स्क्रीन बटन दबा रहा हूँ या फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा रहा हूँ, तो ये ब्लैक स्क्रीन हल्की सी थोड़ी पॉप आउट होती है। हमें ज़रा रियलिस्टिक फील करवाने के लिए इन्होंने ये फीचर ऐड किया है कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये देखें, मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस कर रहा हूँ या पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ से ब्लैकआउट थोड़ा सा बाहर आता है। ये एक माइनॉरिटी सा फीचर है, माइनर से फीचर है। लेकिन अब डिस्कस करते हैं जी इसके सेटिंग्स के बारे में। तो जल्दी से मैं चलता हूँ सेटिंग्स में और आपको दिखाता हूँ कि सेटिंग में क्या चेंज हुआ है। वॉल पेपर्स तो आपने देख ही लिए होंगे। ओके, तो सेटिंग के थोड़े से हमें बार्स चेंज मिलते हैं कि जी जनरल एक्सेसिबिलिटी और ये सब चीज़ें हमें फर्स्ट मिल जाती हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। बाकी बैटरी में आप देख सकते हैं नॉर्मल काउंट और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में चार्जिंग के लिए आप सेट कर सकते हैं, और ये कुछ हमें फीचर्स मिलते हैं जो कि अच्छी बात है, हमें बैटरी लाइफ के बारे में आगाही देते हैं। बाकी अब नेक्स्ट बात कर ली जाए तो ये देखिए अबाउट सेक्शन सॉफ्टवेयर और स्टोरेज सेक्शन हमें ऊपर मिल जाता है जनरल में, और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। और अब इसके अलावा अब अगर हम जाएँ ऐप्स के बारे में, तो ऐप्स कहाँ पर हैं, इधर आप लास्ट पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऐप्स का सेक्शन मिलेगा अलग से, जैसे कि एंड्रॉयड में मिला करता था। तो यहाँ पे सारी ऐप्स हो जाएंगी, आप जो मर्जी कर सकते हैं। और iCloud का सेक्शन भी ज़रा इन्होंने थोड़ा कस्टमाइज़ किया है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है, वो उसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया है यूज़र के लिए। देखें स्टोरेज फोटोज एंड एवरीथिंग एक सेक्शन बन गए। तो ये थी कुछ सेटिंग्स हमें थोड़ी तब्दीली देखने को मिली। और एक न्यू ऐप भी आई है जिसका नाम है जी पासवर्ड्स। यहाँ पर आपके सारे पासवर्ड स्टोर होते हैं, आपका वाईफाई, आपका जीमेल, आप एनी एवरीथिंग। अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ऑल पास कीज वाईफाई कोड्स। यहाँ पे आपको ये भी बताता है, इसमें एक और भी फीचर है, यहाँ पे आपको ये देखें जैसे कि आई बटन का लिखा आ रहा है, ये आपको बताना चाह रहा है कि इधर
कुछ मलिशियस एक्टिविटी हो रही है, आप अपना पासवर्ड चेंज करें, ठीक है, ये यहाँ पे डाटा सेफ नहीं है हमारा, आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज करें। तो ये भी हमें कुछ एप्पल की तरफ से कुछ सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के मामले तो एप्पल है ही बहुत अपग्रेडेड, तो ये भी एक फीचर मुझे अच्छा लगा। बाकी द मेन फीचर जिसकी हम सब बात करी जाएँ ये नहीं है, ये तो वैसे एक छोटा सा अब स्पेस के ऊपर एंटर लिखा आ गया, ये कुछ नहीं है, ये तो एक माइनर सा फीचर है। लेकिन जो सा मेन फीचर मैं जिसकी बात करने लगा हूँ, वो मुझे भी वेट था, आपको भी वेट था और हम सभी को वेट था, वो है जी कोई और फीचर नहीं, आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। नाउ यू कैन प्ले म्यूज़िक एंड यूज़ द कैमरा एट द सेम टाइम, जो कि हम जिसके लिए स्नैपचैट यूज़ करते थे ज़्यादातर, कि यार वीडियो बनानी है तो गाना रुक जाता है बैकग्राउंड में, लेकिन अब यू कैन प्ले वीडियो और यू कैन प्ले सॉन्ग एट द सेम टाइम और आप वीडियो भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये, जो से स्नैप्स वगैरह बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, यू नो, उनके लिए एक अच्छा फीचर है। फोटोज़ ऐप की तरफ जाएं तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नज़र आती है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस दे दिए गए हमें, लाइक यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, बट ये ओवरऑल हमें वही सेम सेटअप मिलते हैं। तो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ द ऐप लॉक फीचर, और आप ऐप हाइड भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा फीचर और ये मोस्ट अवेटेड फीचर था। तो अब यहाँ पे आप हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी, पहले हम टाइम लिमिट लगाते थे इसकी अल्टरनेट, हम टाइम लिमिट यूज़ करते थे, टाइम लिमिट यूज़ करके तो हम ऐप को लॉक लगा लेते, लेकिन अब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और हिडन फोल्डर इधर है, इसको ओपन करने के लिए भी आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा, देन वो ऐप शो होगी। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मोस्ट अवेटेड भी था। इस तरह के कुछ फीचर्स बहुत पहले ही आ चुके थे एंड्रॉयड में और एप्पल में आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, भाई एप्पल ने हमें ये फीचर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये फीचर प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, बाकी जो से इन डिटेल फीचर्स हैं, इन डेप्थ फीचर्स हैं, वो फिर हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट फीचर की बात कर ली जाए तो वो है जी कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर हमारा ज़रा कस्टमाइज हो गया, अब और एलिगेंट लुक देता है हमें। म्यूज़िक का सेक्शन अलहदा, होम का अलहदा, वाईफाई नेटवर्क्स के सारे सेक्शन अलहदा और एक कंट्रोल पैनल अलहदा। लेकिन इसमें एक और भी फीचर है, वो है टॉर्च का फीचर। नाउ यू कैन फोकस द टॉर्च, यू कैन वाइडर द टॉर्च, और ये वर्क कर रहा है। जैसा कि आप अगर मोबाइल के पीछे देखें तो अभी मैं इसको वाइड करता हूँ तो ये वाइड हो जाती है, अगर इसको मैं फोकस पे करूँ तो ये साथ ही एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है। लेकिन ये फीचर सिर्फ मैंने नोट किया है आईफोन 15, 16 और 14 में ये फीचर नहीं आया अभी, ठीक है। 14 में है, लेकिन 13 में ये फीचर नहीं आया, 13 से ऑनवर्ड डिवाइसेस में ये फीचर चलता है। बाकी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और इनके पैनल्स को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी हमें कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। और अब पावर ऑफ का बटन हमें इधर से मिल गया है, कंट्रोल सेंटर से ही आप पावर ऑफ भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया कंट्रोल सेंटर के फीचर। अब बात करते हैं जी कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर में भी वो आईपैड वाले फीचर्स आ गए हैं। ना यू कैन कन्वर्ट करेंसीज, आप करेंसीज भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप मैथ के नोट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है और आप मैथ के नोट्स भी इसमें लाइक सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ओके, यहाँ पे हम अभी करते हैं जी कोई 2+5 या फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का लिखते हैं और देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। ये यकीन करो ये बहुत मज़ेदार फीचर है, ये सिर्फ अभी आईपैड में आया था, लेकिन अब ये आईफोन भी हमें देखने को मिल गया। अभी इक्वल्स टू लिखूंगा तो आगे आंसर आ जाएगा। हाउ इज़ दैट कूल मैन, 2+3=5। ये काफ़ी सारा एक अवेटेड फीचर तो नहीं था, लेकिन ये एक मज़ेदार फीचर है यार, आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपने मैथ्स के नोट सॉल्व कर सकते हो इवन के इट्स सिंपलर। तो ये चीज़ मुझे मज़ेदार लगी है। एंड्रॉयड में भी है कुछ ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर ऐप से ये लाइक और एक एलिगेंट वे लगता है, कुछ मतलब लाइक अच्छी एक ना आपके नोट्स बन जाते हैं, और यू कैन सेव इट टू नोट्स। तो ये थे कुछ iOS 18 के फीचर्स जो कि प्रोमिनेंट है, जो कि आप पहले ही नज़र में जब अपडेट करेंगे तो नोटिस करेंगे। अब बात करते हैं जी एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, अभी कुछ ऐप्स इसमें बग्स करती हैं, स्टिल हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं कि आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।